जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सौरभ दीक्षित, जो कि लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हैं, पिछले 14 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं हाईलैंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि द्वारका दिल्ली में है और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। डॉक्टर दीक्षित जीवनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, एक ऐसी चीज जो कई सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है ट्रीट करने के लिए। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने की नीड क्यों पड़ती है, क्या ये कैंसरस हो जाते हैं आगे चलकर? देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड एक ट्यूमर है और ट्यूमर का मतलब सिर्फ कैंसर नहीं होता। ये जनरली गर्भाशय जो यूट्रस होती है उसमें अगर एक मांस का टुकड़ा डेवलप होना शुरू होता है तो पहले ये सिर्फ एक ट्यूमर फॉर्म में रहता है। एक ट्यूमर कुछ नहीं करेगा तो कम से कम अपना अपने लिए स्पेस क्रिएट करता है और उस स्पेस क्रिएटेशन की वजह से यंग फीमेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स होती हैं, उनमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी का ये कॉज बन सकता है। क्योंकि अगर यूट्रस के अंदर जैसे सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड वगैरह होते हैं तो वो लोग कंसीव करने में दिक्कत रहती है या फिर अगर कंसीव कर लेते हैं तो उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। दूसरा होता है कि अगर ये सतह के बाहर यूट्राइन फाइब्रॉइड होती है तो पेशेंट्स को दर्द बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये यूट्रस पे ट्रैक्शन फैक्टर क्रिएट करती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड से घबराना नहीं है, अगर छोटे फाइब्रॉइड होते हैं तो हम उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं क्योंकि कई बार ये दवाइयों के द्वारा भी कमजोर होकर गल जाते हैं। लेकिन अगर बड़ा यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो समय के साथ इसके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है तो क्योंकि ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। हालांकि सारे यूट्राइन फाइब्रॉइड कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते लेकिन लंबे समय तक कोई भी यूट्राइन फाइब्रॉइड शरीर में रहता है तो कैंसर बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके एंड सर, अगर मैं बात करूं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, किस तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से आप यूट्राइन फाइब्रॉइड्स रिमूव करते हैं? देखिए, जब लैप्रोस्कोपी नहीं थी तो हम पेट में चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे। पेट के नाभि के नीचे हम एक चीरा लगाते थे बड़ा, तो वो इंसिशन इतना बड़ा होता था कि पहली बात तो इंसिशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते थे क्योंकि पेशेंट की रिकवरी टाइम था वो हफ्ता 10 दिन बढ़ जाता था। और दूसरी चीज थी कि दोबारा नीचे हर्निया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते थे। तो लैप्रोस्कोपी एक ऐसी विधि है जहां पर हम की होल्स, जैसे हम की होल सर्जरी भी कहते हैं, जहां पर हम एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे छेद बनाते हैं, 5 mm के छेद बनाते हैं और उससे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं और हम बिना किसी डैमेज टू द स्किन हम आराम से उसे अलग कर देते हैं और नीचे के रास्ते से यूट्राइन फाइब्रॉइड निकालते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि रिकवरी टाइम, जो पेशेंट पहले अस्पताल में 4-5 दिन तक दर्द में कहराता था, अभी वो 24 घंटे के अंदर अपने घर चला जाता है और 2 दिन के बाद अगर वो काम पे अपने नॉर्मल काम पे नॉर्मल लाइफस्टाइल को रिज्यूम कर लेते हैं। तो पहली बात तो इसमें कोई स्कार नहीं है तो फीमेल्स को कोई ये जो एक संकोच होता है कि भाई ऑपरेशन नहीं कराना है, ऑपरेशन के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं या स्कार रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो स्कार रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। दूसरी की छोटे छोटे दाग होते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि समय के साथ ऐसा लगता है कि जैसे किसी मच्छर ने काटा है, तो स्कारलेस बेसिकली एक तरीके से मैं कहूंगा स्कारलेस टाइप की सर्जरी है और पेशेंट को रिकवरी के लिए नहीं सोचना पड़ता है, वो आराम से 1-2 दिन के बाद अपने नॉर्मल काम में व्यस्त हो जाता है। अच्छा एंड सर, सर्जरी के भी क्या कोई रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं? देखिए, हर सर्जरी के अपने रिस्क और कॉम्प्लिकेशन होते हैं लेकिन ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में मिनिमल एक्सेस सर्जरी, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं, इसके बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हालांकि जिन लोगों को हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है या उन्हें COPD जैसे बीमारियाँ हैं, उनके लिए थोड़ा सा लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में हमें प्रिकॉशन बरतने पड़ते हैं, उनको लो प्रेशर पे हम ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हर सर्जरी में बेहोशी से रिलेटेड अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी में ये कॉम्प्लिकेशन 1/10 लेवल पे चले जाते हैं, सो इट्स वेरी लेस, इट्स वेरी सेफ ऑल्सो। तो ओपन सर्जरी में जैसे ब्लड बहुत लॉस होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हार्डली 10 से 15 या 20 ml से ज्यादा ब्लड नहीं लॉस होता है अगर कोई एक अच्छे से इन विधि को करे तो पेशेंट में रिकवरी बहुत जल्दी होती है। अच्छा, और ऐसा कोई घबराने का रिस्क नहीं है इसमें। एंड सर, यूट्राइन फाइब्रॉइड रिमूवल की जो सर्जरी है उसको थोड़ा अगर आप हमें डिटेल में और बताएं किस तरीके से की जाती है।
देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड को हम स्टैंडर्ड, अगर मैं छेद स्टैंडर्ड मिनिमल एक्सेस सर्जरी की बात करूं तो हम चार छेद करते हैं, जिसमें नाभि के नीचे एक छेद करते हैं और नाभि के दो साइड दो छोटे छोटे छेद करते हैं। कभी कभी हमें उल्टी साइड पे दो छेद करने पड़ते हैं, नहीं तो हम एक छेद से भी उस सर्जरी को कर सकते हैं। तो मैं हमारे पास कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए हम यूट्रस को पहले काट के उसे अलग करते हैं। एडवांस इंस्ट्रूमेंट से हम पहले यूट्रस के पास में जो नलियां हैं या जो वेसल्स हैं उन्हें हम आराम से काट देते हैं और फिर यूट्रस को अलग करके हम आसानी से इसे नीचे से अलग निकाल देते हैं। तो पेशेंट को कमजोरी भी नहीं आती है और पेशेंट को कोई दाग या स्कार या स्कार रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। तो ये 40 मिनट से 45 मिनट की सर्जरी होती है जिसमें हम पेशेंट को एक से दो दिन के लिए भर्ती रखते हैं। अमूमन पेशेंट एक दिन में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका यूट्रस बड़ा होता है, वहाँ पर हमें एक से दो दिन रखना पड़ता है। कई बार पेशेंट्स जो सर्जरी कराने आते हैं उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें खून भी देना पड़ सकता है। ओके, सो बेसिकली ऑल इन ऑल मुझे समझ आया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बिल्कुल सेफ है और एक नई तकनीक से आप करते हैं तो डेफिनेटली स्कारलेस भी है। एंड इसी के साथ डॉक्टर सौरभ दीक्षित, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जीवनी हेल्थ शो के लिए कीमती वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सौरभ दीक्षित जिन्होंने हमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत, मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में द न्यू सुपर स्पेशलिस्ट न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।